रमेश की दो बीवियां होती हैं। दोनों बीवियां रमेश की खूब सेवा करती हैं और दोनों उसे बहुत प्यार करती हैं। और रमेश भी एकदम खुशी खुशी अपनी दोनों बीवियों के साथ रहता है। और एक मिनट ये सब तो रमेश सपने में देख रहा होता है। मारा डीकरा उठ जा, सुबह हो गई है अब तो, उठ ही जा। अरे माँ तुम, मतलब वो सब सपना था? क्या सब सपना था? माँ मैंने सपने में देखा कि मेरी दो दो बीवियां। क्या दो दो बहुएं? हाय दो दो बहुएं अगर हो जाती तो कितनी आसानी हो जाती जिंदगी में, घर का एक भी काम नहीं करना पड़ता मुझे। हे भगवान, काश मेरी दो दो बीवियां होती। रमेश ऑफिस जाता है। आ गए ऑफिस? आज इतनी देर क्यों कर दी आने में? हाँ संगीता डार्लिंग, वो आज मैं जरा लेट हो गया उठने में। अच्छा सुनो, तुमने मुझे कहा था ना कि मैं अपने मम्मी पापा से बात करूं हमारी शादी के लिए। हाँ हाँ मैंने कहा था, फिर तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज और एक गुड न्यूज है। बताओ क्या सुनाऊं पहले? पहले बैड न्यूज सुना दो यार, फिर मैं गुड न्यूज लास्ट में सुनूंगा। बैड न्यूज ये है कि मेरे मम्मी पापा ने हमारी शादी के लिए मना कर दिया है। अब हमें किसी को बिना बताए शादी करनी पड़ेगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? और गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि फाइनली मैंने अपने पेरेंट्स से हमारी शादी के लिए पूछ लिया है। अरे वाह, क्या कहा उन्होंने? बताया तो उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया है। अरे यार ये कैसी फालतू न्यूज है? मेरी क्या गलती, तुम्हें खुद पहले गुड न्यूज और फिर बाद में बैड न्यूज पूछनी चाहिए थी। इसके बाद रमेश और संगीता मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं। संगीता तुम अभी कुछ दिनों के लिए मेरे फार्म हाउस पे रहो, ये अब से तुम्हारा और मेरा घर है। जब माँ तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी ना तो मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, ठीक है? चलो ये भी ठीक है। रमेश संगीता को छोड़कर आ ही रहा होता है तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मारो डीकरो अब केम छे, कुछ याद आया इस साल का? याददाश्त वापस आई तेरी? मैं ठीक हूँ माँ, पर मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। मारा डीकरा अब तू शादी कर ले, मैं तो पूरा दिन काम में व्यस्त रहती हूँ, तेरा ख्याल रखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। अरे वाह शादी? हाँ माँ हाँ, मुझे शादी करनी है। रमेश की शादी उसकी माँ के दोस्त की बेटी इमली से हो जाती है। हे भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मेरी शादी रमेश से हो गई, मेरा बचपन का प्यार। ओहो कितनी खुश छे पगली, यकीन कर ले अब रमेश ही तेरा पति है और मैं तेरी सास हूँ। पाए लागू सासू माँ। ए रमेशिया, आज तेरी फोटो लूँ इमली बहू के साथ। रमेश इमली का हाथ पकड़कर फोटो खिंचवाने खड़ा हो जाता है तभी वहाँ पर संगीता आ जाती है। रमेश ये तुम किसका हाथ पकड़े खड़े हो? अब ये फटकड़ी कौन छे? अरे तो मेरी बीवी है बहन जी, आप कौन हो? क्या कहा? मैं बहन और ये तुम्हारी बीवी है, फिर मैं कौन हूँ? हमें भी नहीं पता कि तू कौन है, चल निकल यहाँ से। हे भगवान धोखा दे दिया रे, अब क्या होगा मेरा। रमेश संगीता के पास आता है। अरे बहन जी आप रो क्यों रही हैं? फिर से बहन जी बोला तुमने। संगीता रमेश को एक जोर का थप्पड़ मारती है और रमेश नीचे गिर जाता है, उसके सिर में चोट लग जाती है। अरे बाप रे, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे रमेश को थप्पड़ मारा। इमली और संगीता लड़ने लग जाती हैं। तभी रमेश को होश आता है। अरे संगीता डार्लिंग तुम यहाँ? क्या कहा संगीता डार्लिंग? अरे मुझे चक्कर आ रहे हैं रे। अरे वाह रमेश, तुम्हें सब याद आ गया, अब जल्दी से बोल लो इन लोगों को कि तुम मेरे ही हस्बैंड हो। हाँ 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 हाँ, संगीता मेरी वाइफ है, एक हफ्ते पहले तो हमने मंदिर में शादी की है। नालायक, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे माँ कैसे बताता, मेरा एक्सीडेंट हो गया था उस दिन और मेरी याददाश्त चली गई और आपने मेरी दूसरी शादी करा दी। हे भगवान, मैं तो लुट गई रे, बर्बाद हो गई। मैं ये सब नहीं जानती रमेश, तुम चलो मेरे साथ हमारे वाले घर में जहाँ तुम मुझे छोड़कर आए थे। ऐसे कैसे ले जाएगी मेरे पति को? रमेश जी मेरे साथ रहेंगे। मेरे पति पे नजरें मत गड़ाओ, मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी, मैं अभी अपने लॉयर को बुलाती हूँ। लॉयर घर में फैसला करवाने आ जाता है। देखिए गलती तो संगीता जी की भी नहीं है, रमेश की भी नहीं है और इमली जी की भी नहीं है। तो क्या मेरी गलती है सब? नहीं, मेरा मतलब है कि किसी की भी गलती नहीं है। तो अब क्या करें? अब तो बस किसी एक को रमेश जी को डिवोर्स देना होगा। मैं नहीं दूंगी डिवोर्स, पहले मेरी शादी हुई थी
और मैं रमेश से प्यार करती हूँ। मैं भी तलाक नहीं दूंगी, रमेश मेरा भी बचपन का प्यार है। फिर तो आप दोनों को समझौता करके रमेश जी की बीवियाँ बनके रहना पड़ेगा। अरे वाह, मेरी दो दो बीवियाँ हो गई। अरे मेरी तो निकल पड़ी। अरे अरे वाह, मेरी दो दो बहुएं होंगी। मेरी जिंदगी की तो सारी टेंशन खत्म हो गई। आय हाय। उर्मिला और रमेश दोनों घर में खुशी के मारे वही गरबा करने लग जाते हैं। लेकिन वकील साहब, मेरे पति अब मेरे साथ ही इस घर में ही रहेंगे और सासू माँ भी यही रहेंगी और मैं संगीता के साथ नहीं रहूँगी। नहीं, रमेश सिर्फ मेरे साथ रहेगा हमारे वाले घर में, और सासू माँ भी मेरे साथ ही रहेंगी और मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, समझी? उसका उपाय भी है मेरे पास। मंडे, ट्यूसडे और वेनेसडे को रमेश अपनी माँ के साथ संगीता वाले घर में रहेगा और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को अपनी माँ के साथ इमली वाले घर में रहेगा। अरे वाह, ये तो मस्त उपाय छे। रमेश जी और उर्मिला जी, आप दोनों कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दीजिए कि आपको ये मंजूर है। रमेश और उर्मिला साइन कर देते हैं। अगर आप दोनों ने चीटिंग की तो आपको 1 साल की जेल हो सकती है। हे माँ, माता जी। अरे वैसे आज तो संडे है, संडे को हम कहाँ रहेंगे? एक्चुअली संडे को बंटवारा नहीं हो पाएगा, तो चलिए, तो संडे को आपका ऑफ है। संडे को आप कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग दोनों में से किसी भी घर में नहीं रह सकते, आपको कहीं और रहना होगा। क्या? नहीं। लॉयर वहाँ से भाग जाता है। चलिए, आप लोग इस घर में अब नहीं रह सकते वरना मैं कम्प्लेन कर दूंगी। आप दोनों इसके वाले घर में भी नहीं जा सकते वरना मैं कम्प्लेन कर दूंगी। दोनों बहुएं सास को और पति को एक दिन के लिए घर से बाहर निकाल देती है। हाय रे, ये दो दो बहुएं ने तो हमें घर से बेघर कर दिया रे। अरे मुझे नहीं चाहिए दो दो बीवियां, भगवान।